हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। हमेशा की तरह एक कंटेंट और आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो आज मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक मोटरोला का फ़ोन है, मोटो का एक फ़ोन है। तो ये फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है बेसिकली, और हैंग ऑन लोगो था पहले, और ये रिस्टार्ट पे है एक्चुअल पे, लोगो पे स्टक लोगो और रिस्टार्ट। तो ये रिस्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, लोगो पे आकर के, फर्स्ट लोगो आकर के रिस्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, सेकंड बूटिंग नहीं हो रही है। ये जैसे देख सकते हैं आप, मैंने कोई पावर की प्रेस नहीं किया हुआ है, ये फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, कैसा कैसा हम क्या कर रहे हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस देखिएगा। ये मोटो का E6 मॉडल है, E6 प्लस। ये मैं आपको अभी बैटरी खोल करके इसकी भी मॉडल नंबर आपको यहाँ पर मैं दिखा दूंगा। तो ये रिस्टार्ट हो रहा है फ्रेंड, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया है। तो मैं फ़ोन को फटाफट खोल लेता हूँ और फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें जो मॉडल कौन सा है बेसिकली। तो सारा स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो आप यहाँ पे इसका मॉडल देख सकते हैं, अगर आप जूम करके देखेंगे, ST20252, ये है आपका E6 प्लस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम इसको जो भी स्टेप बाय स्टेप है, आप इसका सोल्यूशन को देखेंगे, वीडियो में आप बने रहें। और फ्रेंड, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे बहुत काम आ सकता है। तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही हमारे नए नोटिफिकेशन आपको वीडियो को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहला इसका फॉर्मवेयर चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे स्टैक करके रख लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मवेयर को स्टैक करके रख लिया है। आप देख सकते हैं ये इसकी फाइल है, फ्लैश फाइल। तो हम इसको सबसे पहले, अगर आपके पास रिस्टार्ट आता है या लोगो पे आता है, तो सबसे पहले आप उसको फ्लैश ही करेंगे फ्रेंड। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है कि अगर हमारा फ्लैशिंग से नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो फ्लैशिंग मेथड को आप स्टेप बाय स्टेप लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये हमारी फॉर्मवेयर हो गई फ्रेंड, और इसकी हमारी फ्लैश टूल भी है इसके अंदर। तो आप इसको डबल क्लिक करके ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ्लैश टूल पे भी जा सकते हैं। तो इसकी फ्लैश टूल भी है हमारे पास। अब तीसरी चीज़ एक, आपको इसको पोर्ट को स्टेबल करने के लिए, तो मैं डिवाइस मैनेजर को खोल लेता हूँ फ्रेंड। ये डिवाइस मैनेजर मैं खोल लेता हूँ, साइड में डिवाइस मैनेजर को भी मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर को मैंने ओपन कर दिया है। अब इसके बाद एक आपको MCT टूल का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि इसका पोर्ट को हम स्टेबल कर देंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद ये देखिए MCT टूल भी हमारा आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सारा चेंज आपको मैं यहाँ पे प्रोसेस करके बता रहा हूँ फ्रेंड। फिर आपको USB फ्लैश टूल चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे टूल हमने दिखा दिया था। तो सबसे पहले हम पोर्ट को स्टेबल कर लेते हैं। तो पोर्ट को स्टेबल करने के लिए फ्रेंड्स, हम डाटा केबल यूज करते हैं, और यहाँ पे इसको हम बाईपास पे क्लिक कर देते हैं। आपका मीडियाटेक का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस को जरूर देखिए फ्रेंड्स। और अब इसको करते हैं, हम यहाँ पे फोन को कनेक्ट करते हैं। मैंने अभी कोई भी वॉल्यूम की प्रेस नहीं किया है, मैंने फोन को डायरेक्टली कनेक्ट किया है, और यहाँ पे अभी हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है, फोन चालू हो गया है फ्रेंड्स। तो अगर ये फोन लोगों पे आता है या फिर लोगों के प्रॉब्लम में ऐसा बेस में आता है फ्रेंड, तो आप उसको जो कनेक्टिविटी है फ्रेंड, मैं आपको सारा चीज इसीलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसको वॉल्यूम अप डाउन दबा करके एक बार कनेक्ट करें। तो मैं एक बार वॉल्यूम अप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट हमारा ब्लिंक हो रहा है, ये पोर्ट हमारा ब्लिंक हो रहा है, पर पोर्ट अभी हमारा स्टेबल नहीं हो रहा है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है। हमने एक बार इसको निकाल करके वापस से डाउनलोड किया, वापस से हमने पोर्ट को फिर से बाईपास किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली हुआ। और हमने यहाँ पे इसको फॉर्मवेयर अपडेट किया, डाउनलोड ओनली पे नहीं हो रहा था फ्रेंड। तो हमने इसको क्या किया, फॉर्मवेयर अपडेट किया, और यहाँ पे बहुत ही ईजिली तरीके से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फ्लैश कम्प्लीट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं सारा चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जो टूल है हम टूल को यूज़ कर रहे थे, सारा प्रोसेस आपको हमने यहाँ पे दिखाया है फ्रेंड। आपके साथ वो टूल भी मिला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही इजीली तरीके से, अगर आपका फ़ोन लगता है कि ये फ़ोन डेड हो सकता है, तो आप इसको प्रीलोडर को अनटिक कर सकते हो, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप टिक भी रहने दे सकते हो। यूज़र का डाटा आप बचाना चाहते हो तो आप नीचे जा करके
यूजर का डाटा बचा भी सकते हो। तो आप देख सकते हो फाइनली हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो अगर जैसे हो जाता है तो हम आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑन करके आपको दिखाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें थी फ्रेंड्स, आपको पोर्ट स्टेबल कर लेना है क्योंकि मीराटेक में सबसे बड़ा मैटर आ रहा है पोर्ट का, ड्राइवर का आ रहा है। तो अब जब तक आप एमसीटी टूल का यूज नहीं करेंगे तो आप कोई भी लेटेस्ट फोन एमटीके का यूज आप नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ, चाहे आप वीवो का यूज कर रहे हैं, चाहे आप रियलमी का यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी फोन आप यूज कर रहे हैं, फ्रेंड देख सकते हैं हमारा डाउनलोड कम्प्लीटली हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और डाटा केवल से निकालेंगे और ये देखेंगे कि हमारा फोन कम्प्लीटली ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो में आप बने रहें और देखते हैं हमारा जो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अपने कंप्यूटर में चल के आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, आप बैक में देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे जो ये प्रोसेस था हमने प्रोसेस कर दिया है। हमेशा की तरह मैं वीडियो में हाईलाइट जरूर करूँगा कि हमने फाइनली क्या क्या प्रोसेस किया हुआ है यहाँ पे। तो ये फ़ोन देख सकते हैं अभी रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। बेसिकली ये फ़ोन फुल्ली तरीके से हमारा काम हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये फ्लैश हो चुका है कंप्लीट तरीके से, आप देख सकते हैं मोटो का वही फ़ोन है। अभी ये रिस्टार्ट पे नहीं हो रहा था, नहीं तो अभी के टाइम पे ये 2-3 बार रिस्टार्ट हो जाता। तो ये क्या क्या प्रोसेस हमने किया था फ्रेंड्स, ये मैं आपको फटाक से हाईलाइट ज़रूर करने वाला हूँ। पर ये जब तक हमारा लोगो पे है तो हो सकता है कि स्टक लोगो पे, पर नहीं होगा। इसको मैं आपको सामने ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक एक बार भी ये फ़ोन रिस्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये फाइनली जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम करके ज़रूर दिखाएंगे फ्रेंड्स ये। और मैं आपको इसका एक हाईलाइट, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं साइड में रखने की कोशिश करता हूँ तो मैं यहाँ पे इस फ़ोन को साइड में रख देता हूँ फ्रेंड्स, और मैं इसका फटाक से हाईलाइट आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एमसीटी टूल का आपको यूज़ करना है। आपको यहाँ पे बाईपास पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फिर से मतलब बाईपास पे क्लिक करने के बाद फ़ोन को कनेक्ट करना है। फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद जो आपको टूल हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो ये फाइल के साथ आपकी टूल है, क्योंकि ये फ़ोन फॉर्मेट हुआ है इसलिए अभी टाइम लग रहा है उसमें, लोगों पे नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टूल है फ्रेंड्स, आप इस टूल को ये ओपन करके यहाँ पे फ्लैश टूल करके आप यहाँ पे जा करके बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हो। इस टूल में आपको जाना है और ये हमारा देखिए फ्लैश टूल था जो कि हमने ओपन किया हुआ था, ये टूल है। और इसकी जो बैक करेंगे तो इसकी ये फॉर्मवेयर है फ्रेंड्स, ये फॉर्मवेयर है। तो जैसे ही टूल आपका ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको करना क्या है हाईलाइट के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये हमारा टूल कहाँ गया, ये हमारा टूल है। तो इस टूल पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फाइल दे देना है, ये आपको चूज स्कैटर, आपको ये फाइल आपको दे देनी है। देने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, डाउनलोड ओनली नहीं, आपको फॉर्मवेयर अपडेट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इसको अनटिक रहने देना है। आप इसमें टिक, ये फर्स्ट बूट का काम करता है पर फर्स्ट बूट हमारा हो भी रहा है तो आप इसे आप अनटिक कर देंगे, टिक रहने देंगे। उसके बाद ये देखिए अपग्रेड पे क्लिक करेंगे, टिक रहने देंगे और सीधा आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जब आपका एमसीटी पे ये कम्प्लीटली दिखाएगा तब जाके आपका सक्सेस हो जाएगा। तो ये फ़ोन फॉर्मेट हुआ है दोस्तों, और आपको ये हाईलाइट भी अगर अच्छा लगा मेरा हमेशा की तरह वीडियो जो मैं बनाता हूँ, तो ये आपको जो हाईलाइट मैं हमेशा देता हूँ फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। बट अगर ये थोड़ा सा लोगों पर, ये देख सकते हैं मैंने छुआ नहीं है पर ये हमारा सॉल्व हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए हमारा कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुका है, ये आप देख सकते हो आपके सामने में ये वही फ़ोन है जो मैं आपके कर रहा था। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हुई है बट वीडियो को आपने समझा और देखा बहुत ही काफ़ी तरीके से। तो ये देखिए कम्प्लीटली हमारा ये ऑन हो चुका है स्टार्ट, और हम स्टार्ट करेंगे फाइनली आपको चालू करके दिखाएंगे फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे काम हुआ कि नहीं हुआ। और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं इस पे लेकर के आऊँगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं करके दिखाऊँगा फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये स्किप कर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्ट, यहाँ पे स्किप कर देते हैं और यहाँ पे भी स्किप कर देते हैं, स्किप एनीवेज। तो गाइस आप हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो फाइनली ये फ़ोन देख सकते हैं हमारा ये फ़ोन ऑन हो चुका है, ये वही फ़ोन था जैसा कि आपने देखा था फ्रेंड, ये वही फ़ोन है मोटो का i6 प्लस। तो ये कम्प्लीटली जो रिस्टार्ट हो रहा था हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।